यू आर अ कॉन्टेंट राइटर बट 2000 से लेकर 3000 वर्ड्स आर्टिकल लिखने का टाइम नहीं होता या तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अब ऐसे केस में क्या करें? क्योंकि तुम्हें लगता है लंबे लंबे वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिखने को ही कॉन्टेंट राइटिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है, रिसर्च करो, ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है। हर एक इंसान के लिए जिसको राइटिंग पसंद है उसके लिए कोई ना कोई स्पेस तो है ही इस इंडस्ट्री में। सो इसीलिए टुडे आई विल टेल यू 22 शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट राइटिंग जॉब्स दैट यू कैन डू फ्रॉम योर होम। अब ये सारी वो जॉब्स हैं जिसमें तुम्हें 200 से लेकर मैक्सिमम 1000 वर्ड्स तक आर्टिकल लिखने होंगे। ये आर्टिकल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कुछ तुम्हारे सोशल मीडिया कंटेंट हो सकते हैं, कुछ ईमेल्स हो सकते हैं, न्यूज़लेटर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अनलीश दिस 22 शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट राइटिंग जॉब। द फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट राइटिंग जॉब इज क्रिएटिंग इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स तुम्हारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू तुम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो रीडर को। तुम्हें एज अ कॉन्टेंट राइटर पहले शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट और इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट प्लॉट लिखना होगा। उसके बाद तुम्हें इसका इंफोग्राफिक्स बनाना होगा। इंफोग्राफिक्स बनाने के लिए यू कैन यूज कैनवा। कैनवा पे बहुत सारे इंफोग्राफिक के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं। द सेकंड वन इज ईमेल राइटिंग। पास प्रोडक्ट्स, एफिलिएट ब्लॉगर्स, ऑनलाइन कोर्स सेलर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट, इन सबको ऐसा कॉन्टेंट राइटर चाहिए जो की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स लिख सकता है, जैसे की ईमेल सिक्वेंसेज, रिटेंशन मेल, वेलकम सीरीज एंड स्टैंड अलोन मेल दैट टॉक अबाउट डील्स एंड ऑफर्स। इसके बाद द थर्ड वन इज लैंडिंग पेजेस। ज्यादातर हमारे लैंडिंग पेजेस होते हैं हमारे लीड मैग्नेट, जिसके थ्रू वो वेबसाइट अपनी ईमेल लिस्ट ग्रो करती है। एक लैंडिंग पेज मैक्सिमम 500 वर्ड्स का होता है। अगर तुम किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे तो सबसे पहले एक पेज पॉपअप होता है जहां पर तुम्हें अपना ईमेल टाइप करना होता है, उसी पेज को हम लैंडिंग पेज कहते हैं। दीज लैंडिंग पेजेस स्पीक्स डायरेक्टली टू द क्लाइंट्स एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट। द फोर्थ वन इज रेज्यूमे राइटिंग। गूगल पे सर्च करो जाकर, तुम्हें अपने एरिया में ही काफी सारे रेज्यूमे राइटर्स मिल जाएंगे। लिंक्डइन पे भी काफी सारे रेज्यूमे राइटर्स हैं। यू जस्ट हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ रेज्यूमे राइटिंग एंड देन यू कैन राइट रेज्यूमे, सीवीज, कवर लेटर्स, एसओपीज फॉर डिफरेंट पीपल हु आर इन नीड ऑफ इट। नेक्स्ट वन इज राइटिंग बायोस। जितनी भी ये MNC कंपनीज होती हैं, ये अपनी वेबसाइट पे अपने हर एक जो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय होता है उसका एक स्मॉल बायो लिखती हैं, टेलिंग व्हाट दैट पर्सन डू इन देयर कंपनी। सो एज अ कॉन्टेंट राइटर यू कैन कॉन्टेक्ट सच कंपनीज एंड हेल्प देम टू राइट बायोस फॉर देयर एम्प्लॉयज। इसके बाद द सिक्स्थ वन इज राइटिंग PPC एड। PPC ऑल्सो नोन एज पे पर क्लिक एड। जब भी तुम गूगल पे टाइप करते हो बेस्ट वेबसाइट टू बाय अ सेकेंड हैंड कार, तो तुम्हें कुछ एड्स दिखने लगेंगे। इन्हीं एड्स में जो राइटिंग होती है, यही है एक एग्जांपल PPC एड्स राइटिंग का। देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट राइटिंग जॉब्स लाइक दिस इन द डिजिटल मार्केटिंग हाउसेस। इसके बाद द सेवंथ वन इज राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है उन सबको कोई ना कोई चाहिए होता है टू राइट देयर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब एज अ बिगनर तुम जितनी भी अपकमिंग मीडियोकर लेवल की वेबसाइट्स हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट देम टू राइट देयर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट द टॉप सेलर्स ऑन Amazon, Flipkart, Myntra to write product descriptions for them. इसके बाद the next one is writing media kit. अब जितने भी bloggers होते हैं, जितने भी website owners होते हैं या जितने भी influencers होते हैं, उन सबकी एक media kit होती है जहां पर वो बताते हैं कि वो as of now क्या कर रहे हैं, उनका niche क्या है, उनकी growth कैसी है and how much they charge and what are the sponsors they have worked with previously. तो तुम्हें ऐसे digital media kits design करने हो सकते हैं। Again, designing them on Canva is pretty easy. You can go and check them out. उसके बाद the next one is UX writing. UX writing is basically technical form of writing. जब भी तुम कोई website open करते हो और तुम्हें एक error दिखता है, उस error को जिसने लिखा है उसको हम कहते हैं UX writing. Basically it is technical content writing and you must have some technical knowledge before getting into this field. The next 10th one is writing video scripts. आजकल all over the world 200 million से ज़्यादा full time content creators हैं। मैं फुल टाइम की बात कर रही हूं। अगर हम ओवरऑल निकाले, कम से कम 500 से 600 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं। उन सबको कोई ना कोई चाहिए होता है टू राइट स्क्रिप्ट्स फॉर देम। सो यू कैन राइट वीडियो स्क्रिप्ट्स फॉर ऑल दीज YouTube चैनल्स और Instagram पेजेस और Facebook पेजेस। द नेक्स्ट वन इज राइटिंग वेबसाइट पेजेस। अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत सारा डेटा रिप्रेजेंट करती हैं और उनका रिटन फॉर्मेट बहुत कम होता है, जैसे कि WikiHow एक वेबसाइट है। उसके अलावा जितनी भी न्यूज वेबसाइट्स होती हैं उनके भी जो आर्टिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम 200 वर्ड्स के होते हैं। तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग न्यूज और यू कैन स्टार्ट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स जहां पर पिक्टोरियल फॉर्म में इंफॉर्मेशन ज्यादा दी जाती है। द नेक्स्ट वन इज राइटिंग
केस स्टडीज. केस स्टडीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. केस स्टडीज में बेसिकली तुम किसी बिजनेस की डीप स्टडी करते हो, ये देखते हो कैसे स्टार्ट हुआ, उसका ग्रोइंग पैटर्न क्या है, वो कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहा है, ये सारी चीजें लिखते हो. और अल्टरनेटिवली अगर तुम किसी कंपनी के लिए केस स्टडी लिख रहे हो तो उस केस स्टडी में बताओगे कि उस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो उनके प्रोडक्ट्स को कैसे इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं. यू विल गिव अ एंटायर सिनॉप्सिस ऑफ हाउ अ क्लाइंट इज यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी सो दैट योर केस स्टडी कैन बी यूज्ड एज अ मार्केटिंग कॉपी By that company. The next one is for podcast transcription. आजकल तुमने देखा होगा इंडिया में भी बहुत सारे पॉडकास्ट आने लगे हैं. बाहर के कंट्रीज में तो ऑलरेडी पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर था. तो what you can do is जितने भी पॉडकास्ट होते हैं उनके नीचे subtitles लिखे जाते हैं, उनके नीचे captioning करी जाती है. So you can do this transcription for The podcasters. The next one is creating PowerPoint presentation. हम सबको पता है presentation में content कम होता है, visual representation ज़्यादा होती है. तुम्हें creatively जो information है उसको कम से कम word में describe करना होता है अपनी presentation में. Magic Tome जैसी AI tools आ गए हैं जिनकी help से तुम बहुत easily presentations बना सकते हो. So as a short form content writer, you can make presentations for your client. Next one is writing course lessons. हमें अगेन पता है कितने सारे कोर्स सेल होते हैं ऑनलाइन. ऑलमोस्ट हर एक चीज़ का कोर्स है, कितनी सारी वेबसाइट्स भी हैं और कितने सारे कोर्स क्रिएटर्स भी हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड हेल्प देम राइट देयर लेसन प्लान्स एंड हेल्प देम डिज़ाइन देयर कोर्स. अब जितने भी कोर्सेज होते हैं ज़्यादातर उनके लिए एक टेम्पलेट चाहिए होती है. तुम्हें ई बुक टेम्पलेट कैनवा पे भी मिलेंगी, उसके अलावा एटसी पे भी मिलेंगी. तुम उन सारी टेम्पलेट्स को यूज़ करके एक बहुत अच्छी तरीके से कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो कोर्स क्रिएटर्स के लिए. द नेक्स्ट वन इज कीवर्ड रिसर्च राइटिंग. अब ये काम वही कंटेंट राइटर्स कर सकते हैं जिनको SEO अच्छे से आता है. काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं, दे हायर SEO एग्जीक्यूटिव्स टू हेल्प देम क्रिएट द बेस्ट कीवर्ड लिस्ट फॉर देयर ब्लॉग पोस्ट एंड फॉर देयर आर्टिकल. इफ यू नो ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. द नेक्स्ट 17th वन इज राइटिंग मैगजीन और ई मैगजीन आर्टिकल्स. अभी भी लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं और अभी भी लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, उसके अलावा बहुत सारी ई मैगजीन्स भी हैं ऑनलाइन. तो तुम इन सब के लिए शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल्स लिख सकते हो इन योर नीश. द नेक्स्ट वन इज राइटिंग लेसन प्लान्स. कितनी सारी ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं जो कि लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स और नोट्स बनाती हैं. दीज ऑल आर शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट. यू कैन क्रिएट सच शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट ऑल्सो. द नेक्स्ट वन इज राइटिंग कैप्शंस फॉर द इंस्टाग्राम पेजेस और क्रिएटिंग पोस्ट और कैरोसेल्स फॉर द इंस्टाग्राम पेजेस. जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि अगर हम नेस्ले की बात करें या हम बात करें सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे कि कैनवा हो गया, इन सबको अपना इंस्टाग्राम पेज को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई ऐसा राइटर चाहिए होता है जो कि पोस्ट लिख सके और कैप्शंस लिख सके. सो यू कैन राइट फॉर देम. द नेक्स्ट वन इज अ लिंक्डइन राइटर. तुम्हें पता होगा आजकल जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी हमारे बिजनेस ओनर्स हैं या जितने भी बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स हैं, उन सबका एक लिंक्डइन अकाउंट है. अब लिंक्डइन अकाउंट है तो यहाँ पर एक्टिव रहना भी बहुत कंपलसरी है. इन सबको कोई ना कोई राइटर चाहिए होता है टू राइट पोस्ट फॉर देयर लिंक्डइन अकाउंट्स. यही नहीं, लिंक्डइन के अलावा ये सारे लोग ट्विटर पे भी एक्टिव होते हैं. तुम्हें क्या लगता है जो नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट है वो नरेंद्र मोदी खुद जाके लिखते हैं? नहीं, उनका भी एक राइटर है जो उनके लिए ट्वीट्स लिखता है. सो यू कैन बी अ लिंक्डइन राइटर और अ ट्विटर राइटर. उसके बाद द सेकेंड लास्ट वन इज राइटिंग टेस्टिमोनियल. अब इस पर्टिकुलर वर्क की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगेन अगर तुम जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है उन पे जाओगे तो तुम्हें टेस्टिमोनियल्स का कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगी. इसके बाद द लास्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग इन स्टडीज और सर्वेस. काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर तुम्हें सर्वेस करने हो सकते हैं या तुम्हें वो जो टॉपिक देंगे उस पर कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना होगा. इंटरनेट पे सर्च करो, तुम्हें काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग भी. यू कैन राइट कॉन्टेंट फॉर देम. सो दैट्स इट. दीज वेयर द 22 शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट राइटिंग जॉब्स दैट यू कैन डू फ्रॉम योर होम.